के साथ जाना है, विपक्ष में बैठना है, ये निर्णय को अकेला दुष्यंत चौटाला नहीं ले सकता। 11 महीने में जिस जिस साथी ने संगठन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दिया, एक एक साथी से चर्चा कर कर ही इस पे हमने निर्णय। हंग असेंबली की आपको लगता है हंग असेंबली होगी? हंग असेंबली आ सकती है हरियाणा में? पूरी उम्मीद है, जिस तरह के आंकलन आए हैं मैं ये मानता हूँ, ना तो बीजेपी 40 पार करेगी, ना कांग्रेस 40 पार करेगी, और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी का। तो आप अपने लिए भविष्य में किस तरह का रोल देखते हैं, एज अ डिप्टी सीएम अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो? दुष्यंत चौटाला ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल काम किया, संसदीय दल का मैं नेता था, 5 साल बेखूबी से अपनी जिम्मेवारी निभाई। 11 महीने पहले जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला, 11 महीने के अंदर एक एक साथी को जोड़कर बियॉन्ड पार्टी लाइंस, बियॉन्ड कास्ट जाकर एक एक साथी को साथ खड़ा किया। आने वाले भविष्य में कोई भी जिम्मेवारी होगी, दुष्यंत चौटाला पीछे हटने वाला नहीं। हमें चाहिए प्रदेश के अंदर 75% युवा को रोजगार मिले, प्रदेश के किसान को उसकी MSP का 10% बोनस या 100 रुपये ज़्यादा मिले, महिला को, व्यापारी को उसकी सुरक्षा मिले, कर्मचारी को उसके अधिकार मिले। इन तमाम चीज़ों पर संगठन जो निर्णय लेगा उसके बाद इसके साथ जाना है, विपक्ष में बैठना है, ये निर्णय को अकेला दुष्यंत चौटाला नहीं ले सकता। 11 महीने में जिस जिस साथी ने संगठन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दिया, एक एक साथी से चर्चा कर कर ही इस पे हम निर्णय। हंग असेंबली की आपको लगता है हंग असेंबली होगी? हंग असेंबली आ सकती है हरियाणा में? पूरी उम्मीद है, जिस तरह के आंकलन आए हैं मैं ये मानता हूँ, ना तो बीजेपी 40 पार करेगी, ना कांग्रेस 40 पार करेगी, और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी का। तो आप अपने लिए भविष्य में किस तरह का रोल देखते हैं, एज अ डिप्टी सीएम अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो? दुष्यंत चौटाला ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल काम किया, संसदीय दल का मैं नेता था, 5 साल बेखूबी से अपनी जिम्मेवारी निभाई। 11 महीने पहले जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला, 11 महीने के अंदर एक एक साथी को जोड़कर बियॉन्ड पार्टी लाइंस, बियॉन्ड कास्ट जाकर एक एक साथी को साथ खड़ा किया। आने वाले भविष्य में कोई भी जिम्मेवारी होगी, दुष्यंत चौटाला पीछे हटने वाला नहीं। हमें चाहिए प्रदेश के अंदर 75% युवा को रोजगार मिले, प्रदेश के किसान को उसकी MSP का 10% बोनस या 100 रुपये ज़्यादा मिले, महिला को, व्यापारी को उसकी सुरक्षा मिले, कर्मचारी को उसके अधिकार मिले। इन तमाम चीज़ों पर संगठन जो निर्णय लेगा उसके बाद ही दुष्यंत चौटाला के साथ जाना है, विपक्ष में बैठना है, ये निर्णय को अकेला दुष्यंत चौटाला नहीं ले सकता। 11 महीने में जिस जिस साथी ने संगठन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दिया, एक एक साथी से चर्चा कर कर ही इस पे हमने निर्णय। हंग असेंबली की आपको लगता है हंग असेंबली होगी? हंग असेंबली आ सकती है हरियाणा में? पूरी उम्मीद है, जिस तरह के आंकलन आए हैं मैं ये मानता हूँ, ना तो बीजेपी 40 पार करेगी, ना कांग्रेस 40 पार करेगी, और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी का। तो आप अपने लिए भविष्य में किस तरह का रोल देखते हैं, एज अ डिप्टी सीएम अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो? दुष्यंत चौटाला ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल काम किया, संसदीय दल का मैं नेता था, 5 साल बेखूबी से अपनी जिम्मेवारी निभाई। 11 महीने पहले जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला, 11 महीने के अंदर एक एक साथी को जोड़कर बियॉन्ड पार्टी लाइंस, बियॉन्ड कास्ट जाकर एक एक साथी को साथ खड़ा किया। आने वाले भविष्य में कोई भी जिम्मेवारी होगी, दुष्यंत चौटाला पीछे हटने वाला नहीं। हमें चाहिए प्रदेश के अंदर 75% युवा को रोजगार मिले, प्रदेश के किसान को उसकी MSP का 10% बोनस या 100 रुपये ज़्यादा मिले, महिला को, व्यापारी को उसकी सुरक्षा मिले, कर्मचारी को उसके अधिकार मिले। इन तमाम चीज़ों पर संगठन जो निर्णय लेगा उसके बाद ही दुष्यंत चौटाला अपने इसके साथ जाना है, विपक्ष में बैठना है, ये निर्णय को अकेला दुष्यंत चौटाला नहीं ले सकता। 11 महीने में जिस जिस साथी ने संगठन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दिया, एक एक साथी से चर्चा कर कर ही इस पे हम निर्णय। हंग असेंबली की आपको लगता है हंग असेंबली होगी? हंग असेंबली आ सकती है हरियाणा में? पूरी उम्मीद है, जिस तरह के आंकलन आए हैं मैं ये मानता हूँ, ना तो बीजेपी 40 पार करेगी, ना कांग्रेस 40 पार करेगी, और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी का। तो आप अपने लिए भविष्य में किस तरह का रोल देखते हैं, एज अ डिप्टी सीएम अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो? दुष्यंत चौटाला ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल काम किया, संसदीय दल का मैं नेता था, 5 साल बेखूबी से अपनी जिम्मेवारी निभाई। 11 महीने पहले जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला, 11 महीने के अंदर एक एक साथी को जोड़कर बियॉन्ड पार्टी लाइंस, बियॉन्ड कास्ट जाकर एक एक साथी को साथ खड़ा किया।
आने वाले भविष्य में कोई भी जिम्मेवारी होगी दुष्यंत चौटाला पीछे हटने वाला नहीं। हमें चाहिए प्रदेश के अंदर 75% युवा को रोजगार मिले, प्रदेश के किसान को उसकी MSP का 10% बोनस या 100 रुपये ज़्यादा मिले, महिला को व्यापारी को उसकी सुरक्षा मिले, कर्मचारी को उसके अधिकार मिले। इन तमाम चीज़ों पर संगठन जो निर्णय ले उसके बाद ही दुष्यंत चौटाला अपने के साथ जाना है, विपक्ष में बैठना है। ये निर्णय को अकेला दुष्यंत चौटाला नहीं ले सकता। 11 महीने में जिस जिस साथी ने संगठन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दिया, एक एक साथी से चर्चा कर कर ही इस पे हम निर्णय। हंग असेंबली की आपको लगता है कि हंग असेंबली होगी, हंग असेंबली आ सकती है हरियाणा में? पूरी उम्मीद है, जिस तरह के आंकलन आए हैं मैं ये मानता हूँ, ना तो BJP 40 पार करेगी ना कांग्रेस 40 पार करेगी, और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी का। तो आप अपने लिए भविष्य में किस तरह का रोल देखते हैं एज अ डिप्टी CM, अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो? दुष्यंत चौटाला ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल काम किया, संसदीय दल का मैं नेता था, 5 साल बेखूबी से अपनी जिम्मेवारी निभाई। 11 महीने पहले जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला, 11 महीने के अंदर एक एक साथी को जोड़कर बियॉन्ड पार्टी लाइंस बियॉन्ड कास्ट जाकर एक एक साथी को साथ खड़ा किया। आने वाले भविष्य में कोई भी जिम्मेवारी होगी दुष्यंत चौटाला पीछे हटने वाला नहीं। हमें चाहिए प्रदेश के अंदर 75% युवा को रोजगार मिले, प्रदेश के किसान को उसकी MSP का 10% बोनस या 100 रुपये ज़्यादा मिले, महिला को व्यापारी को उसकी सुरक्षा मिले, कर्मचारी को उसके अधिकार मिले। इन तमाम चीज़ों पर संगठन जो निर्णय लेगा उसके बाद ही दुष्यंत चौटाला अपनी जिम्मेवारी तय करेगा।